नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। मुंबई हो या दिल्ली, बारिश होते ही हालात खराब हो जाते हैं, सड़कें गायब हो जाती हैं, गाड़ियों के जाम लगने लग जाते हैं, लोग परेशान ही रहते हैं, प्रशासन और सरकार को कोस रहे होते हैं। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि क्यों दुनिया के बड़े शहरों में ऐसी दिक्कतें नहीं होती? जैसे लंदन, बारिश तो वहाँ भी होती है लेकिन कभी जल भराव की समस्या नहीं होती। मुंबई में बारिश हो रही है, वहाँ की सड़कें, गलियां, चौक चौबारे सब पानी में डूबे हुए हैं। मरीन ड्राइव को तो उफान मारता अरब सागर ही भिगो कर रख देता है। लेकिन जल भराव होने पर मुंबई की हार्ट लाइन यानी लोकल ट्रेन बंद हो जाती है, बेस्ट बसों को भी चलने में दिक्कत होने लगती है, कई जगहों पर पानी में गाड़ियों के फंसे हुए तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी ही हालत दिल्ली की भी हो जाती है, जरा सी बारिश और राष्ट्रीय राजधानी का दम घुटने लगता है। दिल्ली और मुंबई दोनों ही बेहद प्राचीन यानी पुरानी अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम से जूझ रहे हैं। ये सिस्टम ज्यादा बारिश की स्थिति को संभाल नहीं सकते, इसलिए गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हर बार बारिश में 3 या 4 बार जल भराव हो जाता है क्योंकि सीवरेज सिस्टम का काम अब ठीक से नहीं हो रहा। मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का थोड़ा बहुत काम अब शुरू हुआ है, लेकिन ये व्यापक पैमाने पर नहीं है, ना ही इसकी व्यवस्था को शहर की प्लानिंग के साथ जोड़ा गया है। जबकि लंदन में ये व्यवस्था बेहद शुरुआत से ही लागू है। ये लागू हो तो शहर सही मात्रा से पानी संजो कर रख सकेगा। दरअसल तेजी से शहरीकरण होने की वजह से भी पानी को सोखने वाले इलाके अब कम हो गए हैं। वाटरलैंड्स और हरियाली वाले जगहों की कमी होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश ज्यादा तेजी से हो रही है और कभी भी हो जाती है। इससे वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। लंदन में अधिकतम जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर पूरा ध्यान दिया गया है। इमारतों में इस तकनीक को शामिल किया गया है। बारिश के पानी को स्टोर करके फिर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे म्यूजियम ऑफ लंदन को ही ले लीजिए, यहाँ पर 850 मीटर वर्ग की छत है। यहाँ बारिश में 25,000 लीटर पानी हार्वेस्ट किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है, जिसका इस्तेमाल टॉयलेट फ्लशिंग या फिर सिंचाई में होता है। लंदन के स्मार्ट वाटर प्रबंधक तकनीक बेहतर तरीके से लागू है, इससे सीवरेज सिस्टम पर भी लोड कम आता है। स्मार्ट वाटर प्रबंध से बारिश के पानी को सही समय पर निष्कासित किया जा सकता है या फिर एक जगह कलेक्ट करके फिर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बारिश का पानी बेवजह सीवरेज सिस्टम में नहीं जाता बल्कि बिना सीवर में मिले साफ जल स्रोतों में बह जाता है। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।